कटहल के पकोड़ा रेडी है। आप देख रहे हो कितना अच्छा बना है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यहीं पे मैं 250 ग्राम के कटहल को अच्छे से धो करके इसी टाइप में कट करके ली हूँ। इसे हम कुकर में एक सीटी लगाएंगे, हाफ ग्लास के पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा नमक और हल्दी मिला लेंगे। फिर कटा हुआ कटहल को डालेंगे। कटहल को कैसे इजी में कट करते हैं ये वीडियो चैनल में अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आपको चाहिए तो वहीं से देख लीजिए। फिर कुकर का ढक्कन लगा के गैस के हाई फ्लेम में रख के इसे एक सीटी आने तक छोड़ देंगे। अभी 5 मिनट हो गया है, एक सीटी आ गया है, अभी इसे हम ठंडा कर लेंगे। सारे कटहल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जो पीसेस थोड़ा बड़ा है मैं उसे कट कर ले रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा हम कटहल में सीटी लगाने के टाइम में भी डाले थे इसी के अनुसार डालना है। हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच बेसन, अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसमें 2 चम्मच पानी मिला के सारे मसाला को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो गया है, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे। मैंने यहीं पे गैस के ऊपर ऑयल गर्म होने के लिए रख दी थी। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब सारे कटहल को एक एक करके ऑयल में डालेंगे। अब गैस के फ्लेम को मीडियम में रख के इसे अच्छे से गोल्डन होने तक पकाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे राइस के साथ साइड डिश में ले सकते हो या स्नैक में भी ले सकते हो। इसको कोई नहीं बोलेगा ये चिकन पकौड़ा नहीं है।